झुंझुनू के पिलानी में संचालित बिरला एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा संचालित स्कूलों के टीचर्स का 4 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम का बीईटी निदेशक मेजर जनरल एसएस नायर ने शुभारंभ किया। इन 4 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम के कन्वीनर बिरला शिशु विहार के प्रिंसिपल पवन वशिष्ठ हैं। इस मौके पर टीचर्स को सीबीएसई के सेक्रेटरी अनुराग त्रिपाठी ने भी संबोधित किया। अनुराग त्रिपाठी ने शिक्षकों को सीबीएसई द्वारा तय की गई मार्किंग स्कीम के बारे में बताया, वहीं शिक्षकों के सवालों के जवाब भी दिए। अनुराग त्रिपाठी ने इस मौके पर नई शिक्षा नीति पर भी बातचीत की और कहा कि अब तक जो भी शिक्षा नीति बनी है उनकी सभी अच्छी चीज़ें लेकर नई शिक्षा नीति बनाई गई है। उन्होंने 1986 में बनी शिक्षा नीति की भी तारीफ की और कहा कि वह शिक्षा नीति अच्छी थी लेकिन वह केवल एक डॉक्यूमेंट बनकर रह गई, कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ऐसा ही 2020 की शिक्षा नीति के साथ न हो, इसके लिए हम सबको प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि यह शिक्षा नीति केवल शिक्षक स्कूलों तक सीमित न रहे, इसके लिए हमें पेरेंट्स के साथ वेबिनार आदि करने होंगे और इस नीति को बताना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह शिक्षा नीति का पहला एम यही है कि हम अच्छे नागरिक देश के लिए तैयार रहें, जो असल में शिक्षा का भी एम है। इसलिए हमें बच्चों के एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन के साथ साथ इमोशंस पर भी ध्यान दें। इससे पहले सीबीएसई के पूर्व निदेशक डॉक्टर जी बालासुब्रमण्यम, अहलकॉन स्कूल्स ऑफ डायरेक्टर अशोक पांडे आदि ने भी संबोधित किया। पवन वशिष्ठ ने बताया कि 4 दिन तक चलने वाले इस ट्रेनिंग में ऑनलाइन करीब 400 शिक्षकों को जोड़ा गया है, जिन्हें शिक्षा में आए बदलावों के साथ साथ खासकर ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बताया जाएगा। फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके ज़रिए हम अपने सारे टीचरों को साल में एक बार 4-5 दिन के लिए कंटिन्यूस ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग अलग अलग प्रकार के हैं, कुछ ट्रेनिंग सारे टीचर्स को एक साथ बैठ के जनरल लेक्चर जनरल टॉक्स देते हैं, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर, सीबीएसई ने जो नया नया चीज़ें जो लाया है उसके ऊपर, ये कोविड के टाइम पर स्टूडेंट्स को कैसे टेंशन से स्ट्रेस से दूर रखना कैसे है, पेरेंट्स से कैसे डील करना है, इस तरह का चीज़ें जनरल सेशंस होता है। उसके अलावा कुछ सेशंस हैं सब्जेक्ट वाइज, गणित टीचर्स का अलग सेशन, अंग्रेजी टीचर्स का अलग सेशन, प्री प्राइमरी टीचर्स का अलग सेशन, प्राइमरी टीचर्स का अलग, सीनियर टीचर्स का अलग, इस प्रकार। इसके लिए बाहर से करीब 30 एक्सपर्ट्स बुलाया हुआ है और हमारा भी अपना स्कूल का ही 15-20 टीचर्स इसमें भाग ले रहे हैं टीचिंग के। ये जो प्रोग्राम है इसमें टोटल 400 टीचर्स ट्रेनिंग ले रहे हैं और 4 दिन के लिए रहेगा। हाँ, 4 दिन आज से लेकर 10 दिन तक, 1 जुलाई तक रहेगा। ये फर्स्ट एपिसोड है इस ट्रेनिंग का और उसके बाद स्कूल्स अपने अपने लेवल पर हर 15-20 दिन में कोई ना कोई सब्जेक्ट के ऊपर ट्रेनिंग करता है। वो तो नॉर्मल स्कूल में ट्रेनिंग तो चलते रहता है, ये तो एक सेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग है, साल में एक बार हम लोग सेंट्रलाइज करते हैं। जी सर, जो भी पॉलिसीज इसके पहले आई हैं, चाहे वो एजुकेशन की रिपोर्ट आई हो या एजुकेशन पॉलिसीज आई हो, वो पॉलिसीज उन सारी चीजों को कवर करती रही हैं जो आज हम लोग बात करते हैं। डिफरेंस क्या है, 86 की जो पॉलिसी है वो डॉक्यूमेंट के रूप में तो बहुत अच्छी रही लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन एक तक नहीं हुआ। 86 की पॉलिसी का इम्प्लीमेंट पाया, जो 2020 की पॉलिसी है वो पुरानी सारी पॉलिसीज की अच्छी चीजों को इंक्लूड करने के साथ साथ टेक्नोलॉजी को लेकर के, मॉडर्न वर्ल्ड को लेकर के, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग को लेकर के, स्किल्ड एजुकेशन को लेकर के, वोकेशनल एजुकेशन को लेकर, टीचर्स ट्रेनिंग को लेकर, पेरेंटिंग को लेकर, अर्ली चाइल्डहुड केयर को लेकर, इवन 360 डिग्री असेसमेंट को लेकर बहुत डिटेल में अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है। बट आपसे ये रिक्वेस्ट करती है, चैलेंज देती है कि ये 2020 की पॉलिसी भी सिर्फ एक डॉक्यूमेंट रह जाएगी अगर इम्प्लीमेंट नहीं हुई। देखिए, किताब लिखना बहुत आसान है, बुक लिखना बहुत आसान है, क्या है अल्टीमेटली 2020 पॉलिसी का जो एम है वो एजुकेशन का जो एम है उससे अपनी जर्नी स्टार्ट करती है।
और पॉलिसी अपने फर्स्ट पेज में बहुत क्लियर तरीके से कहती है कि एक अच्छे सिटीजन का निर्माण, अ गुड सिटीजन का निर्माण पॉलिसी का एम है। किसी भी देश की जो शिक्षा की नीति होती है, किसी भी कंट्री की जो एजुकेशन पॉलिसी होती है, अल्टीमेटली वो बच्चों के निर्माण से प्रारंभ होती है। तो आपकी पॉलिसी भी कहती है हमको एक गुड सिटीजन किस तरीके से हम बने, एक अच्छा बच्चा जो देश का भविष्य बनाएगा, जो आने वाले समय में सोसाइटी कंट्री को डेवलप करने में अपना पार्टिसिपेट करेगा, वो एम इस एजुकेशन पॉलिसी का। तो एम क्या है? एक गुड सिटीजन का निर्माण। और हम प्रिंसिपल्स और हम टीचर्स जब डिबेट करते हैं, जब पार्टिसिपेट करते हैं, जब हम डिस्कशन करते हैं एजुकेशन पे, तो हम लोग भी इसी बात को डिस्कस करते हैं कि अल्टीमेटली एजुकेशन का काम एक अच्छे स्टूडेंट का, एक अच्छे बच्चे का निर्माण। ये जो गुड सिटीजन है, एक अच्छे बच्चे का निर्माण है, इसको मैं थोड़ा एलेबरेट करूं तो बड़ा सिंपल सा इसका मतलब है कि बच्चे का इमोशनल, फिजिकल और सोशल, बच्चे का मेंटल, शारीरिक मानसिक और आत्मिक जो होल पर्सनालिटी है, जब वो डेवलप होती है तभी हम कह सकते हैं कि एक बच्चे की फुल ग्रोथ हुई है और एक अच्छे बच्चे का, एक बच्चे का पूरा निर्माण हुआ है।